नो स्मोकिंग, टोबैको किल्स, वार्निंग्स। हम हर जगह सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, पर अगले ही पल हम उन्हें भूल जाते हैं। आजकल हमें मूवीज में भी यही वार्निंग्स दिखाई जाती हैं। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान से कर्क रोग होता है। पर उस मूवी की कहानी से ज्यादा हमें कुछ याद ही नहीं रहता। इन वार्निंग्स को नजरअंदाज करने के साथ साथ हम बुलावा दे रहे हैं कैंसर को। ये ऐसा क्यों हुआ? इस 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी के देश में कितने लोग हैं जो जानते हैं कि क्या होता है कैंसर? Not much, but then from what I know about cancer is one of my family member had cancer and she suffered a lot and it's not a good disease, people die and yeah, that's about it. कैंसर बीमारी है, इससे कैंसर से काफी लोग यहाँ बीमार भी हुए हैं। कैंसर ये नशा वगैरह करने से हो जाता है। जी नहीं। आप तंबाकू वगैरह खाते हो? खाते हैं। क्यों खाते हो? सब लोग को देखता हूँ, दुकान में बेचते हैं, खाते हैं, खरीद को, इसलिए मैं भी देखता हूँ। आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल, गुटखा जैसी हानिकारक चीजों का सेवन हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और न जाने कितने लोग करते हैं। हम खुद उन्हें हर दिन मौत की तरफ एक कदम बढ़ाने देते हैं। इन्हीं लोगों की मदद करते हैं कुछ एनजीओस, जिनमें से एक है SVCT, सिद्धार्थ वशिष्ठ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट सिद्धार्थ की इनिशिएटिव पे शुरू किया गया था। सिद्धार्थ मेरा बेटा है एंड ही सर्विंग हिज लाइफ इन तिहार। ये उसी की सोच थी, उसी के दिमाग की उपज थी, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर देखा, बहुत तरह का दुख दर्द वहाँ पर उसने महसूस किया और उसने महसूस किया कि जो लोग अंदर हैं वो तो अपनी गलती की सज़ा भुगत रहे हैं, जो बच्चे बाहर हैं उन्होंने तो कोई गलती नहीं की है, तो वो बच्चे क्यों सफ़र कर रहे हैं? और ये सब वही परिवार हैं जो अर्निंग मेंबर उनका सब अंदर चला जाता है, तो बाहर वो बच्चे बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाते हैं, उनके पास कोई रोजी रोटी का भी इंतज़ाम नहीं होता, खाने तक का इंतज़ाम नहीं होता, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो उसने बहुत देर तक सोचता रहा, बहुत दिन तक करता रहा, फिर हमारे साथ बैठ के उसने बातें करी, डिस्कस किया कि इसको मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। फिर उसके साथ साथ उसने दो और मुद्दे उठाए इसी NGO के थ्रू, जिसमें एक था कैच द कैंसर, कि उसकी अपनी बहन को कैंसर की तकलीफ हुई थी, उसके बाद से उसको बहुत बुरा झटका लगा इस चीज़ का। उसने उसको सोचा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी बहन को भी हो सकती है, जो खुद एक डॉक्टर है, तो जो लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं वो इसको किस तरह से डील करते होंगे। इलाज सबका कराना तो बहुत मुश्किल है, पर अवेयरनेस के ऊपर हमने बहुत जोर दिया। हमने एक पूरी मुहिम चलाई कैच द कैंसर, कई बार हमने रोको की वैन्स यूज करी, कई बार मेट्रो वैन्स यूज करी, जो मोबाइल वैन्स होती हैं, और जगह जगह हमने कैंप्स लगाए जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताते रहे। ये सेल्फ फंडेड NGO है, इसमें कोई फंड कहीं से नहीं आता है और कोई फंड हम किसी से लेते नहीं हैं। ये जो फंड इसमें आता है वो सिद्धार्थ की जो अपनी डिविडेंड्स आते हैं या जो पैसा उसका अपना आता है, वो सारा पैसा वो अपने इस NGO में डालता है। कैंसर एक वो चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है और कभी हो सकता है, इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। हम लोग जनरल कैंप लगाते हैं, हम कैंपों के माध्यम से हमारे डॉक्टर, हमारी टीम जो है, वो सब लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं कि कैंसर होने पर आप क्या कीजिएगा। जो दो कैंसर बड़े कॉमन चल रहे हैं वो है लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर
और न्यूट्रिशन सीरम। टाइम बाय टाइम लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस कैंप भी लगाते हैं हम, उनकी कैंपों में मेमोग्राफी भी करते हैं। अभी तक हम लोग 10 कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं सी। हम उन्हें हमारे पास कोई पर्चे हैं, पैम्पलेट हैंडबिल्स हैं, जो हम हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो छुप जाते हैं उनके पास जाके, और जो भी आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा होगा उसे पूछते हैं कि आप बीड़ी सिगरेट क्यों पी रहे हो। यदि बीड़ी सिगरेट पीने के फायदे हैं तो ये बोलते हैं हम इश्यू कर देंगे। यदि आप एक बीड़ी को कम कर दोगे तो कुछ चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि एक सिगरेट पीने से आदमी की एक सांस कम होती है, एक बीड़ी पीने से दो सांस कम होती है, और तंबाकू और गुटखा खैनी खाने से 4 सांस कम होती है। हम उनको से अवेयर करते हैं कि भी आप इसको छोड़ दीजिएगा, या इसको छोड़ना मुश्किल है तो कम से कम कर दीजिएगा। हम उनको पिक्चर दिखाते हैं कि आप चाहते हैं ऐसा बनना तो बड़े शौक से बन जाइएगा, अपना जिंदगी आपकी है, संवारना चाहो तो भी ठीक है, ना संवारना चाहो तो भी आपके ऊपर है। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मेरा नाम पूर्णचंद है, मैं आर्मी में व्हीकल मेक की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। मेरे को गले का कैंसर है, 1 अक्टूबर 2010 में पता चला मेरे को। मेरी आवाज़ बिल्कुल गुम हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ इसमें आर्मी हॉस्पिटल में आया, इन्होंने कहा कि भी हमें डाउट है आपको कैंसर हो सकता है गले का, फिर इन्होंने मेरे को रेफर कर दिया ऑल इंडिया मेडिकल में। वहाँ उन्होंने अपने ट्रीटमेंट किया और मेरे फिर उसके बाद 22वीं हुई, 22वीं में क्लियर हो गया कि भी आपको कैंसर है। तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया, आरडी 36 आरडी की मेरी, तो उसके बाद ये पूरा जल गया था, ये पूरी गर्दन जल गई। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी आवाज आई और कंट्रोल में हुआ। भाई रिएक्शन तो थोड़ी मायूसी तो होगी कि भाई कैंसर, एक तो कैंसर का नाम ही है कि इतनी बड़ी चीज़ है कि नाम लेते ही घबराहट सी हो जाती है, तो बच्चे थोड़े सा घबरा के थे, खुद को भी लगा थोड़ा सा महसूस तो हुआ कि भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और शरीर में भी थोड़े से कंपन सी महसूस हुई। मेरा ये फोन है, ये भी गिर गया था, टूट रहा है, उसी दिन ये निशानी रख रखी मैंने अब तक कि मेरे को जिस दिन डिक्लेयर हुआ था ये कैंसर का, तो उस दिन मेरे शरीर में, और ये मैं फ़ोन करने के लिए घर पे भी मेरे को ऐसे दिक्कत आ गई, तो जैसे ही निकाला ये गिर गया। मेरे को तकरीबन हो गए 35 साल, मैं 15 साल का था तब से स्मोकिंग, तब तो स्टार्टिंग में तो कभी एक पी ली दिन में, कभी दो पी ली, कभी नहीं भी पी, और धीरे धीरे आदत पड़ते पड़ते फिर पूरा एक पैकेट पूरा पी जाता था। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर अपनी ज़िंदगी सेफ रखनी है तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, कि मैं बीड़ी पीता था मेरे साथ ये हुआ, और ये लोग जो बच्चे गंद खाते हैं इसमें पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ें के जहर होता है, और वो जहर शरीर के अंदर जाएगा तो क्या वो होगा उसका। तो मैं यही कहूँगा कि आज की जनरेशन से इन चीजों से बिल्कुल दूर रहे। यार मेरे को टच करने से पता चला था, थोड़ी हार्ड सा लग रहा था, जैसे गांठ सी लग रही थी, महसूस हो रही थी। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा पहले इसका टेस्ट करवाओ, मैमोग्राफी वगैरह जो भी है लिख के दिया उन्होंने, वो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे आपका, क्या है प्रॉब्लम क्या है ये। उसके बाद में मैंने टेस्ट करवाया था, उसमें मेरे को पता चला था। रिएक्शन तो था, घबराई गई थी, मैं तो सोच रही थी बस अब जो लास्ट ही चल रहा है समझ लो। पर उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा था सेकंड लास्ट स्टेज है ये। फिर उन्होंने सफदरजंग के लिए वहाँ पे गई मैं दिखाने के लिए, तो उन्होंने फिर कहा कि ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसे डरने वाली बात नहीं है। पहले घर तो मैं सिलाई का काम करती थी ना पहले, उसके बाद फिर बंद हो गया था सिलाई का काम भी, ऑपरेशन डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। पहले जैसे मैं फिट थी, अब मैं फिट नहीं हूँ उतनी, मतलब ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी हुई उसने
मेरे को बहुत हार्मफुल की और उसने मेरे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया। नसों के ऊपर शरीर में इतनी पावर नहीं है मेरे जैसे पहले थी। मेरा नाम प्राची है और मैं डॉक्टर हूँ। तो करीब 3 साल पहले मुझे एक गिठली सी महसूस हुई और पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर है। जांच कराने पे पता चला कि स्टेज 3 है और इनवेसिव टाइप का कैंसर है, तो काफ़ी एडवांस स्टेज था। और उसके बाद फिर पूरी ट्रीटमेंट की, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, मतलब जो जो होता है सब किया। सब परेशान थे लेकिन मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और उसकी वजह से मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ। मुझे ये परेशानी नहीं थी कि मेरे बच्चे को कौन देख रहा है या बाकी चीज़ें, क्योंकि सब ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने, इवन मेरी डॉटर ने जो उस समय बहुत छोटी थी, सब ने बहुत सपोर्ट किया। और उसका बहुत, जिस तरह से मैंने डील किया उसका बहुत श्रेय मेरी फैमिली को जाता है। मैम, अब जब आप उसे डायग्नोस करा चुके हो, अब आपकी लाइफ, आपको लगता होगा कि मुझे ये हो चुका है, आपकी लाइफ, आप बहुत हिचके जाते होगे कि कहीं वो दोबारा ना हो जाए, वो सब कुछ वापस ना आ जाए मेरी लाइफ में। आप अभी अपनी लाइफ को कर रहे हो कि वो सब चीजें वहीं रहे, वो आगे ना आए। कैंसर बहुत कॉमन है। आप बात करने जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपके आस पड़ोस में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों को है। ये और बात है कि लोग डिस्कस नहीं करते, इसके बारे में बात नहीं करते, पर्दा डालते हैं। तो मेरा मानना है कि ये करने की बजाय अगर हम खुल के बात करें, एक दूसरे से बात करें, तो एक दूसरे की हेल्प भी होती है, क्योंकि दूसरे पर्सन को अवेयरनेस होती है कि ये चीज़ है और वो अपनी ट्रीटमेंट भी करा सकता है, उसे ऑप्शन भी पता चलते हैं। तो इस पर पर्दा डालने की जगह, और मैं ये कहूँगी सब महिलाओं को कि जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और 40 की उम्र के बाद मैमोग्राम जरूर कराएं, और अगर पता चलता है कि कैंसर है तो ये जिंदगी का अंत नहीं होता, इसके बाद भी जिंदगी है। अपनी जांच अच्छे से कराइए, अपने इलाज अच्छे से कराइए, और मोस्ट ऑफ ऑल एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए, क्योंकि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कैंसर इज अ प्रॉब्लम विच कैन इजिली बी डिफाइंड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन द ह्यूमन बॉडी। Let's say if there is part in the human body which is having uncontrolled growth and it is comes up as a swelling, and that swelling may bleed, it may cause pain later on, and it may cause many bodily problems. So the exact problem will depend which part of the human body is having that. But most important here is nobody should wait for the cancer warning signals, and nobody should ignore that I am not having any cancer warning signals. So why I should be interested in listening to the cancer? I am having a healthy body. Why I should listen to the cancer talk? Everybody is talking about cancer, but it is just only for those people who think there someone is suffering with cancer in the family. But that's not true. Very important consideration is that everybody is at risk of getting cancer. Please do not use tobacco in any form, whether it is in the form of smoking tobacco or it is in the form of taking through the nose, or just eating, and it is a smokeless tobacco which we just chew, or in any other form. Tobacco should not be used in any form, not even a single cigarette, not even a single nasal spray, not even a single chew. Tobacco should never be used, because one must understand that in nature the tobacco contains around 4000 chemicals in a leaf of tobacco, and these chemicals are there because the tobacco leaf want to save itself from the other pests. So when the pest or the insects, they eat away this tobacco leaf, they are supposed to die, or they are supposed to leave that tobacco leaf and should not be able to eat that further. So tobacco chemicals were as a nature has given it for the protection. But there is one chemical present in that, out of those 4000 chemical, which we call as the nicotine. This nicotine gives the addiction to the human body. So only for one nicotine chemical we are exposing ourselves to other 3999 chemicals. So we must not do it, and we must not use tobacco in any form.
Next is the use of alcohol. For youngsters, I will say that please, first, preferably use no alcohol. And number two, if you want to use, be wise. Prefer red wine, because red wine contain a chemical known as resveratrol that saves you from the heart disease, and that also save us from getting the cancer in the human body. Red wine is a very safe, healthy drink, and if you prefer drinking alcohol, then prefer red wine. Next, in the cancer safe lifestyle comes the rich fiber diet. Rich fiber diet means you can eat the quality fiber diet and eat, let's say, one fruit with breakfast, lunch and dinner, and again in between the snacks, let's say in between lunch and dinner and in between breakfast and lunch, if you're taking snacks, try to involve fruit in your diet. So 5 fruit servings will keep you very, very healthy, and don't go for out of the season fruits. Take fruits which are cheaper, easily available in the market, and season wise you can change from one fruit to the another. So the final message I will give: be safe, be sure, and be healthy, and lead a cancer safe lifestyle. Thank you. कैंसर बहुत सीमित है, ये हमारे सपनों को नहीं तोड़ सकता, ये हमारे प्यार, उम्मीद और विश्वास को नहीं मार सकता, ये हमारे आत्मविश्वास को नहीं कुचल सकता। कैंसर हमें नहीं मार सकता, हमें कैंसर को मारना है। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो जो आप कर सकते हो वो आप करते हो। आप अच्छा खाना खाते हो, आप अपनी एक्सरसाइज करते हो और अपने चेकअप रेगुलर कराते हो, उसके अलावा बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। तो जो आपके हाथ में नहीं है, उसके पीछे परेशान होना या उसकी वजह से अपने आज को खराब करने में कोई अकल नहीं, तो उसे आप छोड़ दीजिए। जो आप कर सकते हैं आप करिए, और जिस पे आपका वश नहीं है, जो आप नहीं कर सकते वो आप छोड़ दीजिए। जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब ये लगता है आगे ना हो कुछ। हाँ, बस आगे ना हो, आगे ठीक रहे, बस ऐसा लगता है। जो हो गया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, आगे के लिए हम सोच सकते हैं कि अब आगे कुछ ऐसा ना हो। सबसे बड़ी चीज है इंसान के अंदर विल पावर। अगर इंसान के अगर हिम्मत है इससे लड़ने की, तो वो हिम्मत से ही लड़ सकता है। बाकी उसका कितना भी ट्रीटमेंट करो, अगर उसके विल पावर उसके अंदर नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कैंसर से सिर्फ विल पावर से इंसान लड़ सकता है।